तो दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट मैच में 137 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। इंडिया ने पहली इनिंग में 443 रन पर अपनी इनिंग डिक्लेयर की थी, जिसमें मयंक अग्रवाल ने 76, चेतेश्वर पुजारा ने 106, विराट कोहली ने 82 रन और रोहित शर्मा ने 63 रन बनाए थे। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने पर आई तो वो भारतीय बॉलिंग लाइनअप के सामने ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। इंडिया की जानब से जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। शमी ने 1, रविंद्र जडेजा ने 2 और ईशान शर्मा ने 1 विकेट हासिल किया। तो उसके बाद जब दूसरी इनिंग में भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई तो इतना ख़ास बैटिंग परफॉर्म न कर सकी, लेकिन फिर भी बहुत ही उम्दा लीड हासिल करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैटिंग की दावत की। इंडिया ने 106 रन पे 8 विकेट गुमाए थे और डिक्लेयर कर दी थी। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग में आई तो दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय बॉलिंग के सामने जमकर ना खेल सकी और 261 रन पर तमाम प्लेयर्स आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की जानब से पैट कमिंस ने बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए 63 रन बनाए, शॉन मार्श ने 44 रन बनाए और इंडिया की जानब से एक बार फिर से बॉलर्स बुमराह, जडेजा ने 3-3, शमी ने 2 और ईशान शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। इस तरह इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच में फतह पाकर सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर दी।